दिवाली यानी कि खुशियों की सौगात, दिवाली यानी कि पटाखों की बरसात, दिवाली यानी कि रंगोली के रंग और दिवाली यानी कि अपनों के संग। ये बिल्कुल सही शब्द का आपने प्रयोग किया, खुशबू अपने। जब हम घर पर होते हैं तो अपनों के साथ दिवाली मनाते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं अपने वर्क स्पेस में तो हमारे सहयोगी भी हमारे अपने बन जाते हैं, हमारे परिवार बन जाते हैं। और जैसा कि अभी अभी प्रभा ने बताया कि हमारे सहयोगी भी हमारे परिवार हैं, तो इसी परिवार के साथ आज हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आज हमारी दिवाली कैसी हो रही है। दिवाली का मौका है, पटाखे और मिठाइयाँ यहाँ पर सज चुकी हैं और बस हम न्यूज रूम में आ चुके हैं। सारे हमारे सहयोगी यहाँ पर अभी बैठे हैं और बस देरी इस बात की है कि हम दिवाली जो हम मना रहे हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं कि ये दिवाली कैसी मनाई जा रही है। जी प्रभा, बिल्कुल सही कहा आपने कि खुशियों का मौका है, त्यौहार का दिन है और समाचार प्लस का परिवार यानी कि पूरा टीम जो है वो यहाँ पर है। सबसे पहले हम बात करेंगे शारिफ सर से। शारिफ सर, कैसा लग रहा है नए परिवार के साथ दिवाली मनाकर? बहुत बहुत अच्छा अनुभव है खुशबू, और दर्शकों को ये बात समझना है आज के डेट में कि कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो होली हो, ईद हो, दिवाली हो, हम इसी परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं और बहुत खूबसूरत होती है हमारी सेलिब्रेशन। हम काम भी करते हैं साथ में, क्योंकि हमें हमारी जिम्मेदारी कि दर्शकों तक हम सूचनाएँ पहुँचाएँ, खबरें पहुँचाएँ, सही समय पर पहुँचाएँ। तो हम काम पर भी जुटे रहते हैं, काम पर भी लगे रहते हैं, और आज के दिन मैं आपके मार्फत अपने तमाम दर्शकों को शुभकामना देता हूं दिवाली की। साथ ही साथ उनसे गुजारिश भी करता हूं कि आप जिस तरह से समाचार प्लस की पूरी टीम के काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपना प्यार बना कर रखे हैं, आगे भी अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहिए हम पे, तो हमारी दिवाली होली इसी तरह अपने इस परिवार के साथ गुजरेगी और आप तक सही समय पर सटीक और सही खबरें पहुँचती रहेंगी। सर, दिवाली के दिन क्या क्या तैयारियां होती है, घर पर क्या क्या तैयारियां? घर पर मेजरली हम लोगों का जो काम है, जो मर्दों का काम है, बाहर से सामान लाना है या साफ सफाई है, व्यवस्थाएं ये करना, उसके बाद फिर ऑफिस आके अपना काम कर रहे हैं, तो इस परिवार में ज्यादा काम साफ सफाई एकदम करते हैं। एकदम किस तरीके से किया? देखिए, यहाँ एक आप राज खुलवा रही है, पर खोल देते हैं राज कि भले आपको मीडिया कर्मी, हम एंकर्स आपको दिखें कि हम कोर्ट में और बंडी में मेकअप करके बैठे हुए हैं, स्क्रीन पे बट ऑब्वियस हम बहुत अच्छे लगते हैं, मगर घर में सबका हाल वही रहता है। आपको हाथ में झाड़ू लेना है, गंदे कपड़े लेने हैं और घर की सफाई करनी, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं। उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि मैं हेड हूँ, मैं एंकर हूँ, आपको काम करना है, घर में साथ भी देना है और ज़रूरत भी है इसकी, तो उस ज़रूरत को समझते हुए हम घर पर भी सहयोग करते हैं और यहाँ आपके लिए, दर्शकों के लिए, यानी कि दर्शकों के लिए हम यहाँ पर काम करते हैं कि दर्शकों तक खबर पहुँचे। मैं एक बार फिर कहूँगा खुशबू कि बहुत खूबसूरत रंग है हमारे न्यूज़ रूम के, आप उन रंगों को दिखाइए और दर्शक से अपील है कि आप अपना प्यार लगातार हम पे इसी तरह उड़ाते रहिए। जी, तो जैसा कि सर ने बताया कि दर्शकों से यह अपील है कि वो अपना प्यार जो हमें दिखाते रहे और दिवाली के दिन आप जो है अपने घर में आपने सफाई की है, अच्छे से काम करें, अच्छे से रहे। और बताइए प्रभा, वहाँ का क्या हाल है? वहाँ का हाल अभी, क्योंकि साफ़ सफाई की बात हो रही है, तो अभी हमारे साथ सुरेंद्र सर है। सर, आप परिवार से दूर रहते हैं तो साफ़ सफाई ना करना उसे उसका फ़ायदा उठाते हैं, या फिर परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट ना करना उसे मिस करते हैं ज़्यादा? नहीं, साफ़ सफाई तो यहाँ भी करना पड़ता है, जहाँ रहते हैं वहाँ साफ़ सफाई हुआ और थोड़ा परिवार भी मिस करते हैं। यहाँ पे साफ लेकिन होता ना घर पे, जैसे शारिफ सर ने कहा कि घर पे जब होते हैं तो वो काम करना पड़ता है, जैसा शारिफ साहब ने बताया वो काम सभी को करना पड़ता है, चाहे हंसकर करो या रोकर करो, करना तो पड़ता है। लेकिन थोड़ा बहुत फायदा है यहाँ पर? नहीं नहीं, यहाँ डबल काम हो गया। अच्छा, क्या डबल काम हुआ? सफाई ज़्यादा करनी पड़ी, खुद करना पड़ा, अकेले ही करना पड़ा, अकेले साफ सफाई करना पड़ा और दिवाली यहाँ पर ऑफिस के साथ मनानी पड़ी, वो तो खुशी की बात है। तो दिवाली में इस बार ऑफिस के साथ आप मना रहे सर, तो क्या क्या कर? बस मिठाइयाँ खाएंगे साथ में, फिर साथ पटाखे इतने सारे लगे हुए हैं, इन्हें जला देना है। बस इंतज़ार किस बात का, ऑफिस में पटाखे भी रखे और मिठाइयाँ भी रखी हुई है, तो मिठाइयाँ खाना है और पटाखे फोड़ना है। आप ज़रा उधर कैमरा में चाहूँगी करूँगी, और खुशबू उधर क्या हो रहा थोड़ा बताइए। अब मैं ना सबसे पहले अब मिलाऊंगी मैं प्रियांशी से, जो हमारी सबसे छोटी सहयोगी है यहाँ पर, अगर सबसे छोटी है इसको हम लोग बड़े प्यार से रखते हैं। प्रियांशी, कैसा लग रहा है ऑफिस के साथ दिवाली मनाकर?
बहुत अच्छा लग रहा है। 2 सालों से मैं मेरे शहर में नहीं थी, मैं कहीं और थी, और इस बार घर पे तो नहीं बट इस ऑफिस में इस परिवार के साथ दिवाली मना के बहुत अच्छा लग रहा है। घर पर किस तरीके से दीपावली मनाते हैं? घर पर दिवाली का मतलब है मिठाइयाँ, नए कपड़े और दिए। जब हम घर को डेकोरेट करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तो वो दिवाली एक अलग ही एक्सपीरियंस है, हर साल अलग एक्सपीरियंस। और अगर मैं तुम्हें बोलूँ यहाँ का एक्सपीरियंस तो यहाँ अभी इस बार ये क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है बट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से हमारा पूरा ऑफिस सजा और जिस तरीके से हम सब आज एथनिक अटायर में दिख रहे हैं, ये सब बहुत अच्छा है। मतलब हम रोज़ ऐसे नहीं रहते हैं तो दिवाली अलग एक्सपीरियंस देता है। अच्छा, एक और सवाल, सबसे छोटी हो यहाँ पर, यहाँ पर कोई तुम्हें रूल करता है? नहीं, ये चीज़ इस ऑफिस की बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे सबको इक्वली देखा जाता है। मैं सबसे छोटी हूँ बट मेरे को ये चीज़ नहीं दिखाते, उल्टा और ज़्यादा प्यार मिलता है मेरे को। मुझे लगता है ये मेरे छोटे होने का बहुत फ़ायदा है कि मतलब बहुत लोग मेरे को प्यार करते हैं। इसके फ़ायदे भी तुम उठाती हो तो हाँ। प्रियांशी ने जैसा कि बताया ना कि वो सबसे छोटे होने के यहाँ पर होने के वजह से वो उसके फ़ायदे उठाती है वहाँ। रितिका का क्या कहना है इस बारे में? और भी यहाँ इंटर्न और छोटे जो हमारे हैं जिनको ज़्यादा प्यार मिलता है, आप क्या कहोगे? प्रियांशी ने कहा कि छोटे होने का फ़ायदा है। हाँ, ये बात मैं प्रियांशी से मैं सहमत हूँ कि छोटे होने का फ़ायदा है, क्योंकि जब भी लंच में या उससे पहले हम चाय के लिए नीचे जाते हैं तो हमारे सीनियर्स हमारे साथ होते हैं, तो हमारे सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं, वो हमसे पूछते हैं कि चाय के साथ और कुछ चाहिए, तो हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है बस हम जाते हैं, वो शॉप से उठाते हैं, पे वे नहीं करना पड़ता, हमारे सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं, वो पे करते हैं। इस बार दिवाली है, सब लोग तैयार होकर आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट टाइम न्यूज़ रूम में दिवाली सेलिब्रेट? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और हम काफ़ी एक्साइटेड थे, और अब जैसे कि देख सकते हैं हम सज धज के बैठे हुए हैं तो वो दिवाली वाइब्स, मतलब पूरे एक्साइटेड हैं हम लोग, वो दिवाली वाइब्स पूरी तरीके से ऑफिस में आ चुकी है। तो अभी थोड़ा उधर जाते हैं, फिर से खुशबू के पास देखते हैं, वो अब अगला किससे बात करने वाली हैं? मैं अगला बात करूंगी सुमित सर से। सुमित सर, पहले तो बताओ कि ऑफिस कैसा दिख रहा है? हर कोई आज ट्रेडिशनल अटायर में आया हुआ है, ऐसे नॉर्मली दिखता नहीं। खुशबू, सबसे पहले तो दिवाली की सभी को बधाई, पूरे जितनी भी जनता, जितने हमें लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, जो भी हमारे दर्शक हैं उन सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। और जो आपने सवाल पूछा वो बहुत सही है कि हम लोग यूजुअली ऐसे नहीं रहते, हम लोग आज सज्जत के बैठे हुए हैं, यहाँ पे काम करें डेली अगर हम काम करते, लेकिन आज का दिन बहुत खास है। यहाँ एक और बात एड ऑन ये करना चाहूँगा कि कोरोना काल में जिस तरीके से सब कुछ रहा, हम किसी भी पर्व त्यौहार को मना नहीं पाए, सारे पर्व त्यौहार हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, तो बस यही है कामना कि आगे भी इस तरीके से हम सारे लोग मिलकर के खुशी से और खुशहाली के साथ सारे पर्व मनाते रहें और इसी तरीके से प्यार करते रहें। अच्छा, कोरोना को हटाइए, अगर मैं बोलूँ कि आपकी बचपन की दिवाली वो कैसी होती थी, उसमें और अभी के दिवाली में कुछ डिफरेंसेस आया है तो वो क्या होगा? डिफरेंसेस तो ये आए कि पहले बहुत ज़्यादा मिठाइयों और पटाखों के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती थी, पहले लगता था कि अरे कब जाकर के हम लोग कपड़े खरीदे, कब दिवाली मनाएंगे, कैसे पटाखे फोड़ेंगे, बट अब वो थोड़ा सा मोरओवर कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, अब थोड़े ज़्यादा हम लोग बड़े हो गए तो चीज़ों को समझते हैं, तो बस ऐसी है, पटाखे तो अभी भी लेकिन फोड़ने हमें, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से जैसे हम लोग न्यूज़ रूम में सब कुछ अवेलेबल, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ, मिठाई है, पटाखे हैं, सारे लोग हैं, हम लोग सबको साथ में बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं प्रभा, इसके बाद मैं वहाँ के हाल जानूंगी कि वहाँ पर अब किससे बात करने वाली हो आप? अभी हम बात करने वाले हैं प्रमोद सर से। हर साल आप मतलब हमेशा हर टॉपिक पे कुछ ऐतिहासिक कुछ जानना होता है तो आपसे बात करते हैं कि इसका इतिहास क्या है, और आप बड़े रोचक तरीके से हम लोग को बताते हैं, तो दिवाली के बारे में कुछ बताइए हमें। दिवाली के बारे में एक ही कथा प्रचलित है कि राम ने जब रावण पर विजय प्राप्त कर ली और वहाँ से अयोध्या आने में उन्हें 20 दिन लगा, तो अयोध्यावासी जो 14 वर्षों तक अपने प्रभु राम का इंतजार कर रहे थे, तो उनके आगमन पर पूरी अयोध्या को दीपों से सजा दिया था। मूल कथा यही मतलब प्रचलित है दिवाली को लेकर, और उसी को लोग आज इतने सालों तक, हाँ आज भी इतने साल बीत गए, आज भी दिवाली को उसी तरह से धूमधाम से लोग मनाते हैं। और आपने इतने साल दिवाली मनाया भी, तो कुछ डिफरेंस देखते हैं सर, पहले की दिवाली और अभी की दिवाली? बहुत अंतर है, बहुत अंतर आ चुका है। पहले इस तरह से मतलब बम पटाखे नहीं फूटते थे, आज जिस तरह से मतलब बम पटाखे फूटते हैं, और फिर उनमें भी काफ़ी वैरायटीज आ चुकी हैं। अभी
वाली दिवाली अच्छी है कि पहली वाली अच्छी है? सभी दिवालियाँ अच्छी हैं, बस खाली दिल में उल्लास होना चाहिए। अब उस साइड फिर से जाते हैं हमारे एडिटिंग सेक्शन में। यहाँ पर खुशबू, आप किससे बात करने वाली हैं? अब मैं नेक्स्ट बात करूँगी रोहित से। रोहित सुबह से बहुत परेशान है यार, मेरे से पता नहीं कोई क्या पूछे कैसे हो। तो रोहित कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, समाचार प्लस की टीम के साथ मेरी पहली दिवाली है और आज सब यहाँ सच के आए हैं, यहाँ मिठाइयाँ हैं, पटाखे हैं, हम सब लोग यहाँ बहुत एक्साइटेड हैं दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए साथ में। लेट मी टेल यू कि रोहित इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि बाकी लोगों के पास शायद ही नए कपड़े होंगे, बट रोहित ने नए कपड़े खरीदे हैं रात के 9 बजे जा करके। रोहित कल के बारे में क्या, मतलब जो बीते दिन आपने खरीदा उसके बारे में बताइए, खरीदारी जो की आपने। कल तो मैं रात में काफ़ी टेंशन आ गया था कि क्या पहनूंगा आज, लेकिन किसी तरह सबके साथ के साथ हम लोग गए किसी तरह रात में और हमने शॉपिंग की। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब कोई आपको साथ साथ देता है, सपोर्ट करता है आपको हर चीज़ में। जैसे ऑफिस में भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम जब करते हैं तो सब लोग हमारा साथ देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसी, मैं ऐसी टीम के साथ हूँ जहाँ पर हम मिल के सारे त्यौहार मनाते हैं। अगर मैं आपसे कोई एक यादगार दिवाली के बारे में बोलूँ तो कोई एक यादगार सफल हमारे साथ है? देखिए दिवाली ऐसा त्यौहार है कि सारी दिवाली यादगार हैं बहुत मेरे लिए। बचपन से लेकर आज तक जितनी भी दिवाली हमने मनाई है सब में बहुत, हम सबके घर जाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, सबके परिवारों से मिलते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस बार भी मैं आशा करूँगा कि सब लोग हम मिलकर दिवाली मनाएं और बहुत अच्छे से मनाएं। तो सुना आपने कि साथ में मिल करके अगर कोई त्यौहार मनाया जाए तो वो उसकी मतलब रौनक ही कुछ और होती है प्रभा, वहाँ अब आप नेक्स्ट किससे बात करेंगी? जी मैं बात करने जा रही हूँ मनोज सर से। तो हमारे वेबसाइट में जितनी भी क्रिस्पी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको वेबसाइट में मिलती है वो मनोज सर की लिखी होती है। तो सर आपकी जो दिवाली है वो कितनी क्रिस्पी और स्पाइसी है? इस बार भी दिवाली काफ़ी क्रिस्पी और स्पाइसी है, बचपन से लेकर अभी तक उत्साह में कोई कमी नहीं है। पहले बचपन में खुद उत्सुकता बनी रहती थी, वर्षों इंतजार रहता था इस पर्व का, अब बच्चों के साथ परिवार के साथ दीपावली की खुशियां बांटते हैं। अपने बच्चों और परिवार का तो पहले अपने घर में मनाते थे, तो ऐसी कोई याद है कि ससुराल में दिवाली मनाई हो? जी ससुराल में कभी नहीं मनाई है, कभी मनाने का ऐसा मौका ही नहीं मिला। इस बार दिवाली की क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं सर घर में, क्योंकि जैसे अभी शारिफ सर ने भी कहा साफ सफाई बिल्कुल प्रेशर आ जाता है, करना पड़ता है। साफ सफाई का काम पूरा हो चुका है, अब बच्चों के साथ उल्लास और खुशियां बांटने का वक्त आ गया है। अब दिवाली पर घर में जश्न और मिठाइयां, खुशियां, एक दूसरे को गिफ्ट देना, शुभकामनाएँ देने का वक्त आ गया है, तैयारी पूरी हो चुकी है। मैम तो वो तो अलग अलग डिश बनाने वाली हैं दिवाली में, आप क्या करने वाले हैं? मेरा कुछ खास नहीं है, जो मेरी श्रीमती जी हैं वो ही करेंगी पकवान के मामले में। आप उनको स्वाद टेस्ट करके बताएंगे? जी स्वाद टेस्ट करके बताऊंगा। हम सबको इनविटेशन मिल चुका है यहाँ पर। खुशबू आपको इनविटेशन मिला है या नहीं मनोज सर का, थोड़ा बताइए। मनोज सर के एंड से सभी को इनविटेशन मिल चुका है। अब मैं अमित से बात करूंगी और जब बात मिठाई पे ख़त्म हुई है तो मिठाई से ही वापस से शुरू करते हैं। अमित मिठाइयाँ कैसी लगती हैं? बहुत अच्छी लगती है मिठाइयाँ, किसे नहीं अच्छी लगती। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है तो फिर? मेरी एक डोडा बर्फी करके नाम आती है, वो मिठाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। सोन पापड़ी के बारे में क्या बोलना चाहिए? सोन पापड़ी भी अच्छी लगती है लेकिन डोडा उससे प्रायोरिटी, वो ट्रांसफ़र करने वाली होती है ना। हाँ अच्छा, वो तो ये वो एक एक मतलब एक सन पापड़ी की डब्बे एक जगह नहीं रहती है, वो तो ट्रांसफर होते ही रहते हैं। तो अच्छा आपसे अगर मैं आपकी यादगार दिवाली के बारे में पूछूं तो वो कौन सी है? यादगार तो नहीं करेंगे कहेंगे क्योंकि हर एक साल एक नया एक्सपीरियंस होता है, हर एक दिवाली नए तरीके से मनाने का मौका मिलता है। जैसे इस साल मुझे यहाँ पे समाचार प्लस के साथ मनाने का मौका मिला है। तो कैसा लग रहा है समाचार प्लस की पूरी टीम के साथ ऐसे दिवाली मनाकर? बहुत बढ़िया लग रहा है और आज ही हम लोग दिवाली नहीं मना रहे, पिछले एक हफ्ते से दिवाली मना रहे हैं। दूसरे अलग अलग जगहों की हम खूबसूरत तस्वीरों से आपको रूबरू करा रहे हैं, अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं कि कैसी तैयारियाँ हो रही हैं वहाँ पे, कैसी मतलब शहर में माहौल है, अच्छी माहौल है,
दिवाली की। तो जैसा कि प्रभा अभी अमित ने बताया कि त्यौहार जो है वो एक दिन या दो दिन नहीं मना रहे, हम पूरे एक वीक से मना रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे हम दिवाली मना रहे हैं और बाकी के जो लोग हैं, आम जनता है, वो कैसे दिवाली मना रही है, वहाँ आप किससे बात करेंगी प्रभा? आपने सही कहा खुशबू कि अभी एक हफ्ते से दिवाली यहाँ न्यूज़ रूम में मनने लगती है, क्योंकि दिवाली की जो अलग अलग खबरें होती हैं वो यहाँ पर आपको मिलती हैं हमारे डेस्क से जाकर। क्योंकि हम अभी न्यूज़ रूम का हाल आपको दिखा रहे हैं, तो मैं इस बोर्ड पर थोड़ा आपका नज़र डालना चाहूँगी कि ये जो बोर्ड है हमारे ही न्यूज़ रूम के सहयोगी हैं और ख़ास करके खुशबू का इसमें काफ़ी योगदान रहा है। सुंदर से जो शुभ दीपावली है उसको यहाँ पर लिखा गया है, सजाया गया, और हर दिन यहाँ न्यूज़ रूम में कुछ ऐसा ही हाल रहता है, कुछ अच्छे थॉट्स के साथ इस बोर्ड को सजाया जाता है, क्योंकि आज दिवाली है तो इसे डेकोरेट करना भी बनता था। तो अभी हमारे साथ है संजीव सर, जिनसे हम बात करने वाले हैं। तो सर, सबने तो अपने एक्सपीरियंस बताया कि काफ़ी साफ़ सफाई, मेहनत करनी पड़ती है, दिवाली फैमिली के साथ मनाते हैं, बट मुझे जानना है कि आपके बचपन की दिवाली कैसी होती थी? देखिए प्रभा, बचपन में दिवाली बहुत मज़ा आता था, दूसरे को उल्लू बना के उसके पटाखे को छीनना, अलग अलग तरह से घर जा के उनके घर में, मतलब जो भी दोस्त यार थे उनके घर जाओ, खाना खाओ, मौज मस्ती करो, बहुत मज़ा आता था। इसलिए बचपन का जो दिवाली है वो मेमोरेबल है, और अब लगता है कि वो दिवाली तो फिर नेक्स्ट टाइम कब मिलेगा वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन वो बहुत यादगार दिवाली रहती है। वैसे तो अपने दोस्तों को बेवकूफ़ बना करके उनसे पटाखे ले लेना, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। अभी अपने बच्चों को देखते हैं वो कैसे दिवाली मनाते हैं, उनके साथ कैसे इन्वॉल्व होते हैं? बस बच्चों के साथ, बच्चे बनकर ही दिवाली मनाने में बहुत मज़ा आता है। अभी भी जो भी बच्चे हैं उनके साथ घूमो फिरो, फिर उनके साथ खाओ पियो, बहुत मज़ा आता है। पटाखा जैसे सर ऑफिस में पूरा दिवाली का माहौल बना हुआ, तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे? देखिए दिवाली का माहौल तो बहुत अच्छा है, ऑफिस एकदम सभी और डेकोरेटेड है, तो आप देख लीजिए कितना मज़ा आ रहा है, लोग सब खुश हैं। तो खुशबू, चलिए फिर से आप पर आते हैं और देखते हैं कि आप अगला किन से बात करने वाली हैं। अगला जो इंसान है जिनसे मैं बात करने वाली हूँ, उनका नाम बताने से पहले ही सर, सबसे पहले तो थैंक यू, क्योंकि आपके वजह से ही सारे त्योहारों का जो रंग होता है ना वो उभर कर आता है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपसे मेरा एक ही सवाल है, घर पर दिवाली और यहाँ की दिवाली में क्या डिफरेंसेस है? खुशबू, तुम्हारा नाम खुशबू है, एक खुशबू तुम बिखेर रही हो, एक खुशबू इस न्यूज़ रूम में हमें देखने को मिल रहा है। प्यार, उमंग और उत्साह, यही होता है दिवाली। और बहुत छोटा सा परिवार है हमारा, और इस छोटे से परिवार में हम लोग अपने काम को एंजॉय करते हैं, और दिवाली भी पर्व इसी खुशी, इसी एंजॉयमेंट का है। और मेरे लिए ये एक दिन की दिवाली नहीं है, हम लोग रोज़ यहाँ दिवाली मनाते हैं और हर दिन को एक पर्व की तरह मनाते हैं। तो ये समाचार प्लस का ये दफ्तर एक तरह से एक बहुत ही खुशनुमा जगह है, हम लोग सब एंजॉय करते हैं, हमारे सारे कॉलीग्स, हम लोग यहाँ सीनियर जूनियर का भेदभाव नहीं रखते, और यही दिवाली का संदेश हम दूसरों को भी देना चाहते हैं, बड़ों से प्यार, छोटों का रिस्पेक्ट, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। सर एक और सवाल, घर से बाहर रहकर कभी ससुराल में दिवाली मनाइए? अपने ससुराल की दिवाली पूछी, आज से 17 साल पहले एक बम मेरे घर में फूटा था, उससे बड़ा दिवाली और क्या होगा, आज हर साल हर बार फूट रहा है, हो गया यही दिवाली। तो सुना आपने कि सर के पास आज से 17 साल पहले एक बॉम्ब फूटा था, और वो बॉम्ब क्या है आपको भी शायद प्रभा समझ में आ ही गया होगा, मैं ज़्यादा डिस्क्राइब उसको नहीं करना चाहूँगी, आप अगला किससे बात कर रही हो मुझे ये बता दीजिए पहले। अभी आपने सही कहा खुशबू, और अभी आपने प्रशांत भगत सर से बात की, अभी हम प्रशांत 2.0 प्रशांत मित्रा सर से बात कर रहे हैं, जो हमारे कैमरा मैन है, जो कैमरा के पीछे आपने देखा होगा, अभी कैमरा के सामने प्रशांत सर बताएंगे सर आपको दिवाली में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा। सबसे पहले तो समाचार प्लस के सारे दर्शकों, उनके परिवारों को मैं धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि दीपावली रोशनी की त्यौहार है, दियों को प्राथमिकता दिया जाए, मिट्टी के दियों को जलाएं अपने परिवार के साथ में, साथ ही साथ फटाका फोड़े, लेकिन वैसे फटाका ना फोड़े जो कि किसी और को या अपने मोहल्ले वासियों को दिक्कत हो, हाँ इस पे ध्यान दिया जाए। लेकिन मुझे अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि आपको पर्सनली क्या मतलब दिए जलाने से पसंद? हमारे समय में फटाके की परंपरा अलग थी, जब मेरी उम्र हुआ करती थी 6 साल और 7 साल,
उस समय मेरे पिताजी हमको सिखाए थे, हम लोग बंगाली में उसको कहते हैं तुबड़ी, जिसे कहते अनार। अभी जो अनार बाज़ार में मिलते हैं और हम लोग जो अनार उस समय दिखते थे वो दस तल्ला और 12 तल्ला इमारत तक उसकी रोशनी फैलती थी, ठीक है। वो हम लोग घर पे बनाया करते थे पिताजी के साथ में। तो खुशबू, अगली मेमोरी और याद किससे हम बात करने वाले हैं? अगला बात हम करेंगे नीरज से, और नीरज से मैं घर की दिवाली या फिर ऑफिस की दिवाली के बारे में नहीं जानूंगी, स्कूल की दिवाली। स्कूल में भी दिवाली मनाई जाती थी नीरज, आपने मनाई है? हाँ मनाई है। तो वहाँ पे आप किस तरीके से दिवाली मनाते थे? दिवाली जैसे स्कूल में यूजुअली हम लोग बहुत मस्तीखोर होते हैं, जैसे क्लास हुआ हमारा, जैसे टीचर पे कोई टीचर्स पे हम लोग का उस तरह रहता था कि नहीं वो ज़्यादा टीचर हमारे मतलब होमवर्क ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा मारते हैं हम लोगों को, उस टीचर पे हम ज़्यादा फोकस करते थे। घर से बम लेकर आते थे और उस टीचर जहाँ बैठते थे वहीं पे बम ला कर हम भाग जाते थे। तो ये हम लोग का सबसे यादगार दिवाली है स्कूल टाइम की बात की जाए तो। तो इस साल यहाँ पर आप ऑफिस में हैं, तो ऑफिस में किस तरीके से मनाना है, यहाँ के सहयोगियों यहाँ के परिवार के साथ कैसे मनाने का सोचा है? जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे बम रखे हुए हैं, मिठाइयाँ रखी हुई हैं। जैसे ही हम लोग का यहाँ पे सूट ख़त्म होगा हम लोग बाहर जाएंगे, बम फोड़ेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे साथ में और इन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पर कैसे आगे हमें क्या करना है, ये नीरज ने प्लान करके रख लिया है, उसी के हिसाब से चलेंगे। आप नेक्स्ट प्रभा किससे बात कर रही हैं? अभी सूबे के जितने अस्पताल होते हैं उसकी जानकारी अगर कहीं चाहिए तो हमें यहाँ पर मोहित सर से मिलेगी। इन्हें आप लोगों ने इन्हें स्क्रीन पर भी देखा होगा। तो सर आप फील्ड में जाते हैं वहाँ लोग, आपने कभी अभी तो दिवाली से रिलेटेड कई स्टोरीज भी की हैं, तो क्या कुछ देखा है इस दिवाली आपने, पहले एक्सपीरियंस में जानना चाहूँगा। प्रभा सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और समाचार प्लस के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ बधाई देता हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूं प्रभा कि दिवाली परिवार संग मनाने का एक ऐसा त्यौहार है जब सभी मिलकर एक दूसरे के साथ खुशियों को साझा करते हैं। ऐसे में परिवार की जब बात आती है तो घर का जो परिवार होता है उससे बहुत अहम हमारा ये परिवार होता है जहां हम काम करते हैं, क्योंकि अपने परिवार के साथ हम लोग जो है पत्रकारिता में जब है तो 5 से 6 घंटा से ज़्यादा उनके साथ व्यतीत नहीं कर सकते, लेकिन पूरा दिन भर का समय हमारा अपने इस परिवार के साथ गुजरता है। तो अहमियत ये यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि पहला परिवार हमारे कलीग होते हैं, पहला परिवार हमारा ये होता है। अब रह गया सवाल कि परिवार, तो परिवार के लिए आदमी हर कुछ करता है। ऐसे में हमारा जो जीवन है ये कहीं ना कहीं आम लोगों के जीवन जैसा ही है, लेकिन हम अपने आप को अपने जीवन शैली को उस ढाल में बदल देते हैं कि हम समाज के लिए जीना एक तरह से ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम भी उस समाज से जुड़े हैं, बावजूद एक दूसरा सच ये भी है कि पत्रकारिता में हमें बहुत चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जर्नलिज्म ऐसा फील्ड ही है कि यहाँ पर होली हो या दिवाली हो हम ज़्यादातर समय उस समय भी अपने जो वर्क फील्ड में जो हमारे कलीग्स होते हैं उनके साथ मनाते हैं, और यही इस वीडियो का एक रीज़न भी है कि न्यूज़ रूम में जो हमारे कलीग्स हैं वो कैसे दिवाली ऑफिस में मना रहे हैं। तो चलिए दूसरे साइड चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि खुशबू किससे बात कर रही हैं। प्रभा तुमने बहुत सही बात कहा कि जर्नलिज्म जो फील्ड है इसमें हर कोई साथ में मनाता है, और इसी जर्नलिज्म में एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसे कहते हैं कैमरामैन, और हमारे साथ हमारे कैमरामैन है जो हमेशा पीछे ही रहते हैं, आज वो आगे है। नवल कैसा लग रहा है कैमरे पर आकर? सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत बधाई सभी को, और दीपावली के इस मौके पर सबको पहले आप ये बताओ ना कि कैसा लग रहा है कैमरे पर आकर, पहले सबको हाय बोलो। हाय। सबको हाय बोलो कि आप यहाँ पर हमेशा पीछे रहते हो, हमेशा अपने कैमरा सहयोगी नवल के साथ, अंकुर सिन्हा की रिपोर्ट, आज नवल आगे है। नवल को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बचपन की दिवाली कैसी मनती थी और अभी की दिवाली कैसी मनती है? बचपन की दिवाली दोस्तों के साथ बहुत अच्छी मनती थी, बचपन अपना दोस्तों के साथ में घूमते थे, दिवाली मनाते थे, बम पटाखा फोड़ते थे, मिठाइयाँ खाते थे, यहाँ भी अपना फैमिली है, अपना परिवार है, सबके साथ में अपना दिवाली मना रहे हैं। तो
जैसा कि नवल ने बताया कि यहाँ पर भी जो लोग हैं वो लोग सब के सब हमारे परिवार हैं। न्यूज़ रूम में एक साथ हम काम करते हैं और ये टीम जो है परिवार है, और इसी परिवार के अगले सदस्य से बात करेगी प्रभा। प्रभा, आप नेक्स्ट किससे बात कर रही हो? अभी अभी जैसे आपने नवल से बात की जो कैमरा के पीछे रहते हैं, एक और है हमारे साथ विजय जो कैमरा मैन है, वो भी कैमरा के पीछे दिखते हैं। इस दिवाली अभी कैमरा के सामने दिख रहे हैं, तो आप बताओ कि आपके बचपन की दिवाली कैसे रहती थी? जी, समाचार प्लस जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली के। देखिए प्रभा जी, बचपन का दीपावली तो अनमोल है। खेलना कूदना, बम फोड़ना, बहुत सारे बचपन में एंजॉय किए, अभी भी कर रहे हैं। तो बेटर कौन सा लगता है, अभी वाली दिवाली या बचपन वाली? बचपन का दिवाली सबसे बेस्ट। अच्छा। अभी का दिवाली तो बच्चों को देख के खुशी मना लेते हैं। क्या बेस्ट याद था, कुछ बताइए बचपन का दिवाली? बचपन का दिवाली तो बहुत सारा फोड़ते थे, कभी बम हाथे में फोड़ देते थे, कभी कभी तो कभी कभी हाथे में भी फोड़ देते थे, आलू बम, छुरछुरिया बम, बचपन में होता था बीड़ी बम, क्या बोलते हैं, छुरछुरी बम, घुमरी बम, क्या क्या बोलते थे। मतलब बचपन में दिवाली यानी कि जो बम पटाखे हम फोड़ते हैं वो याद रहती है? जी बिल्कुल, बहुत सारी यहाँ पर याद रहती है। तो खुशबू, जल्दी से अब मैं चाहूँगी आप अगले सदस्य से, हमारे सहयोगी से बात करें कि यहाँ पर तो विजय से हमने बात कर ली कि उनके लिए यहाँ पर दिवाली यानी कि बम और पटाखे। हमारे जो अगले सहयोगी है प्रभा, वो है अंकुर सिन्हा, स्टार रिपोर्टर हमारे। तो अंकुर सर, कैसा लग रहा है नए परिवार के साथ दिवाली मना कर? सबसे पहले खुशबू, मैं भी कुछ बात नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ ये पटाखा पकड़ के तब से बैठा हुआ हूँ, और जब मेरा नंबर आएगा मैं यही चाह रहा था कि मैं कुछ बात ना करूँ और सीधे जो हूँ बाहर निकल के पटाखा फोड़ने में जो है मगन हो जाऊँ। लेकिन कहीं ना कहीं दिवाली है, सबके साथ मना रहे हैं, समाचार प्लस की टीम के साथ मना रहे हैं, अभी समाचार प्लस की टीम के साथ मनाएंगे, फिर घर में जाकर अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे। अंकुर सर, जैसा कि आपने अभी पटाखों को पकड़ के कहा कि हाँ मैं इतना जल्दी से सोच रहा हूँ कि बाहर पटाऊँ, तीन पटाखों का नाम बता दीजिए जरा जल्दी से। देखो, बचपन में मैं बीड़ी बम फोड़ता था, उसको तो कभी नहीं भूल पाऊंगा, चटाई बम था, और अभी बहुत सारे बम आ गए हैं, नाम तो नहीं बता पाऊंगा। फेवरेट मेरा जो क्या बोलते हैं रॉकेट, जो थ्री शॉट फोर शॉट जो होते हैं वही मेरा फेवरेट है, पर नाम एक्चुअली नहीं पता, बस ऊपर जाता है, दिखता है, बस फूटता है, बस उसी से मेरे को सुकून मिल जाता है। तो पटाखों के फूटने से भी किसी को सुकून मिलती है प्रभा, ये आपने अभी अभी सुना। तो आप नेक्स्ट किससे बात करने वाली हैं? जी अभी मैं नेक्स्ट बात करने वाली हूँ कमल सर से, वो भी हमारे न्यू रिपोर्टर है, हमारे साथ जुड़े हैं समाचार प्लस के साथ, और इस दिवाली हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, तो कैसा एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए प्रभा, कल ही मैंने ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर माहौल दिखा मुझे। आज मैं बात भी कर रहा था, अपने साथ काम किया है मैंने, सारिफ के साथ काम किया है बहुत पहले, आकाश के साथ काम किया है, और भी लोग हैं, मोइजुद्दीन के साथ में किए हैं, संजीव भैया भी किए हैं, सुरेन भी हैं, उनके साथ भी काम किया है। एक बेहतर माहौल दिखा, जो आज मैं लंच जब करने गया था तो मैंने कहा भी कि एक अच्छी टीम है अगर बेहतर तरीके से सभी काम करते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगी प्रभा जेडी सर से, एक्चुअली जगदेव सर से, जिनको हम प्यार से जेडी बुलाते हैं। तो जेडी सर, कैसा लग रहा है नई परिवार के साथ दिवाली मना करके? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक यादगार दिवाली बता दो। यादगार दिवाली, पहले के समय में एक टीने वाले एक बंदूक बिला करते थे, वो अक्सर मैं लिया करता था, उसके लिए घर में जिद किया करता था, आज वो मिस करते हैं बहुत उसको। आज उसको बहुत मिस करते हैं सर, अभी भी मिलती है वो? वो मिलती है, लेकिन अब वो खेलने का उमंग नहीं रहा। कोई नहीं सर, बच्चे हैं ना। हाँ, बच्चे के लिए तो है। तो सुना आपने कि इनके पास जो है इनकी दिवाली अलग तरीके से मनती थी, ये बंदूक से पटाखे फोड़ते थे। नेक्स्ट आप प्रभा किससे बात करने वाली हैं? खुशबू, आप अभी यहाँ पर सर जो हैं जितने, वो अपने बचपन की याद दिला रहे हैं, और अभी कुछ बच्चे हमारे जूनियर्स भी हैं, रिया है हमारे साथ। तो आप बताओ कि आपके लिए अभी दिवाली का सबसे फेवरेट पार्ट क्या होता है? वैसे तो दिवाली जो त्यौहार है वो उसका हर ही चीज़ काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन मेरे लिए पटाखे फोड़ना और अपने परिवार के साथ मिठाइयाँ खाना, क्योंकि मुझे तो मिठाइयाँ और चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो चॉकलेट्स और मिठाइयाँ अपने भाई बहन के साथ शेयर करना, परिवार के साथ खाना, ये दिवाली का बेस्ट पार्ट होता है। दिवाली का बेस्ट पार्ट है, और आप हर साल सेलिब्रेट कर रहे हो, मिठाइयाँ खा रहे हो, और इस साल कुछ नया है, इस साल आप न्यूज़ रूम में दिवाली मना रहे हो, तो इसका एक्सपीरियंस क्या है?
वैसे तो मैंने आज से पहले कभी काम नहीं किया है, तो जब मैं यहाँ पर आई अपने इस नए परिवार से मैं मिली तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि मैं अपने फैमिली से दूर हूँ या अपने घर को छोड़ करके यहाँ पे आई हूँ काम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये मेरा एक छोटा सा परिवार है और यहाँ पे सभी लोग बहुत खुश हैं और मैं भी सबके साथ बहुत खुश हूँ। काफ़ी अच्छा खुश तो दिख रही है। चलिए यहाँ पर मैं चाहती हूँ एक शॉट, आप जल्दी से एक मेमोरी अपनी शेयर कर दो कि आपकी दिवाली में क्या मेमोरी अभी तक रही है। सारी ही दिवाली बहुत अच्छी रही है, लेकिन आज से 3 साल पहले जब कोविड नहीं था तभी हम लोग एक दूसरे के घर जाते थे। उस टाइम मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने प्लान बनाया था कि मेरे घर के पास में जो ओल्ड एज होम है हम लोग वहाँ जाएंगे और उनके साथ दिवाली मनाएंगे जिनका कोई परिवार नहीं होता, ताकि हम उन्हें भी ये एहसास दिला सके कि प्यार और परिवार के साथ मनाया हुआ हर त्यौहार कितना स्पेशल होता है। अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं जो उन पलों को यादगार बना देती हैं। चलिए खुशबू, अब आगे आप पे फिर से बढ़ते हैं कि आप किन से बात कर रही हैं दिवाली में। प्रभा, आपने एक वर्सेटाइल एक्टर का नाम सुना होगा, अक्षय कुमार। हमारे साथ एक वर्सेटाइल वर्कर काम करते हैं, वो है आकाश सर। आकाश सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं, और जितने लोग हम लोग को देख रहे हैं सभी लोग को दिवाली की हैप्पी दिवाली सभी को। और आप बताइए कि आप किस तरह मनाएंगे इस बार दिवाली? मैं तो अपने परिवार, मेरा जो न्यूज़ रूम वाला परिवार है उसके साथ मैंने दुर्गा पूजा भी मनाया था, मैं दिवाली भी मनाऊंगी। आप बताइए, आपने घर पर सफाई की सर? नहीं, सफाई तो नहीं की है, लेकिन सफाई हो चुकी है और उम्मीद है इस बार दिवाली साफ सुथरा माहौल में मनाया जाएगा। सर, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आपकी यादगार दिवाली कौन सी है तो आप क्या बताइए? देखिए, हर दिवाली यादगार होती है, इस बार भी यादगार होगी क्योंकि हम लोग कलीग साथ में मनाएंगे और ये पहली बार होगा, तो ये भी एक यादगार दिवाली ही होगी। तो हर दिवाली हमारे लिए यादगार ही होती है। अच्छा, तो जैसा कि आपने सुना कि आकाश सर ने बताया कि दिवाली जो है इनका हमेशा से यादगार रहा और सारे त्यौहार हमेशा से यादगार ही रहे हैं। प्रभा, आप अब किससे बात करेंगी, किसके बारे में? अभी हम दिवाली की याद, दिवाली की पटाखों के बारे में बात करें। अभी हमारे पास दिवाली का एक पूरा पैकेज है। हमारी स्नेहा जी, देख के लग रहा होगा बिल्कुल रंग बिरंगी दिवाली का एक पैकेज दिख रहा है, तो आप बताओ आपकी क्या स्पेशल तैयारी है, तो हम जानना चाहेंगे आपकी दिवाली की तैयारी क्या है। दिवाली की तैयारी हमेशा ही स्पेशल होती है, और ये दुर्गा पूजा के बाद से ही हमें एक्साइटमेंट लगा रहता है कि अब दिवाली आएगी, हमें घर को कैसे डेकोरेट करना है, क्या क्या खाने में मेन्यू होगा, क्या क्या मिठाइयाँ बनेंगी, तो उसके लिए हम हमेशा उसी टाइम से प्रिपेयर्ड होते हैं। मम्मी पापा, क्या मिठाइयाँ बननी हैं, क्या खाने बनने हैं, घर को कैसे रंगोली से डेकोरेट करना है, गूगल में नए नए रंगोली के डिज़ाइन सर्च करना, यूट्यूब पे नए सर्च करना, और इस तरह से के कैंडल्स बनाने, दिए को डेकोरेट करना, तो ये बहुत कुछ है आपकी लिस्ट में मुझे लगता है। और यही सबसे दिवाली एक्चुअली में फील होती है कि घर को डेकोरेट करना अपने कलीग्स के साथ, बाहर में अगर आप ऑफिस में सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ऑफिस में, ऑफिस में सेलिब्रेट करने से ज़्यादा है। आपने हमारे ऑफिस की रंगोली भी देखी होगी, तो वो उसमें हमारे स्नेहा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, क्योंकि आपने ऑफिस को इतने अच्छे से सजाया तो मुझे लगता है घर की तो फिर बात ही क्या होगी। बिल्कुल, ये मेरा एक अपना एक क्रिएटिव पार्ट है जिसमें मुझे ये बहुत इंटरेस्ट लगता है, और मैं जहाँ जाऊँ वहाँ ये कलर्स बिखेरूँ अपने आइडिया से एंड अपने स्माइल से। जी, और ये हमारी समाचार प्लस की क्रिएटिव पार्ट है। तो खुशबू, चलिए अब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं और हमारे जो ब्रजेश सर हैं उनसे बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है छोटे छोटे बच्चों के साथ, मतलब हम भी आपके बच्चे हैं सर, कैसा लग रहा है हमारे साथ दिवाली मनाते हैं? सबसे बड़ी बात है कि इस दीपावली ये त्यौहार हमारे पूरे समाचार प्लस के लिए एक बहुत ही सुंदर सौगात लेकर आया है। हम अपने न्यूज़ के माध्यम से झारखंड और बिहार के साथ राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों से जुड़े, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी इस दीपावली में कि इस महज 4 महीने के अंतराल में हमने लोगों के टेस्ट और सही खबर और सटीक खबर को परोसने का काम किया। बड़ी खुशी की बात है इस दीपावली में कि हमारे पास एक छोटा सा परिवार है इस दफ्तर में, और ये परिवार समाचार को लेकर किस तरीके से कितना समर्पित है, इसका मैं अगर गुमान करूं तो कोई गुरेज नहीं है। हमारा टैगलाइन है कि खबर वही जो हमने कही, तो इस टैगलाइन को पूरे तरीके से समाचार प्लस जीता है, और समाचार प्लस अपने तमाम दर्शकों से ये वादा करता है कि आपकी ज़रूरतों के मुताबिक
खबरों के तह तक जाकर हम आप तक पहुंचेंगे और किसी भी परिस्थिति में समाचार प्लस की पूरी टीम आपके साथ होगी। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपके सुख दुख के साथी होंगे। और साथ ही समाचार प्लस ये भरोसा भी दिलाता है, ये वादा भी करता है कि खबरों से लेकर और प्रगति के राह पर समाज को एक सकारात्मक रूप के साथ आगे ले चलने में भी हम आपका साथ निभाएंगे, क्योंकि हमारा टैगलाइन है खबर वही जो हमने कही। बिल्कुल सही। हैप्पी दीपावली आप सबों को, दीपावली मंगलमय हो। और प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि जिस तरीके से हमारे सभी सहयोगियों के चेहरे पे एक मुस्कान है, वो मुस्कान आपके चेहरे में भी आए, आपके घर परिवार में आए, आपके आंगन में उस मुस्कान की खिलखिलाहट, वो मुस्कान और वो विश्वास और भरोसा जरूर नजर आए। शुभ दीपावली। जी बिल्कुल सही, हमने सबसे बात कर ली, दिवाली शुरुआत हो चुकी है, बस अब देरी है कि अब दिवाली के जो पटाखे हैं वो मिठाइयाँ और पटाखों के साथ हम अब खेलते हैं, क्योंकि बातें तो बहुत हो गई लेकिन दिवाली की शुरुआत अब होना बाकी है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।